दुख वह भावुक स्थिति है जिसमें निराशा, बेबसी और बेचैनी का एहसास होता है। इस संसार में हर प्राणी सिर्फ सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता है, इसीलिए सदा सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है। चाहे वो पुरुष राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, परंतु इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर दुखी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की इच्छाएं अर्थात तृष्णा ही उनके दुखों का मूल कारण है। सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। कोई मनुष्य बहुत अमीर होकर भी दुखी है क्योंकि उसे और अधिक अमीर बनना है, और कोई मनुष्य गरीब होकर भी खुश है क्योंकि वह मनुष्य तृष्णा से मुक्त है। एक साधु पुरुष को दूसरों को सुखी देखकर सुख मिलता है, दूसरों की सहायता करके वह खुश होता है, और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य को दूसरों को दुखी देखकर सुख मिलता है। कई बार मनुष्य अपने गलत कर्मों की वजह से भी दुख भोगता है, क्योंकि कर्म रूपी फसल इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कई बार प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म में किए हुए गलत कर्मों की वजह से भी मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि आपके द्वारा कोई बुरा कर्म ना हो। भगवान कहते हैं, जीवन में हमेशा सुखी रहने के लिए मुझसे नाता जोड़ो। जो मनुष्य मुझसे नाता जोड़कर श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं हमेशा उसकी रक्षा भी करता हूँ। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर अच्छे से समझा जा सकता है। गर्म तेल से भरे कढ़ाई में विष्णु भक्त प्रहलाद को बैठा दिया जाता है और चूल्हे की आग तेज कर दी जाती है, फिर भी भक्त प्रहलाद का तनिक भी बाल बाका नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उसे मैं दंड देता हूँ। इसीलिए हे मानव, तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मेरी भक्ति के प्रताप से दुख तुम्हारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो पंच पापों में उलझकर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु दिन रात प्रयत्न करते हैं, वो मन से सदा दुखी रहते हैं। उनके लिए जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों पर विजय पा लिया है, जिसने अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया है, वैसा ज्ञानी मनुष्य समस्त दुखों और चिंताओं से आजाद रहता है। दुख आने का एक महत्वपूर्ण कारण मनुष्य का मोह भी है। मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वो जानता नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर है। जब मनुष्य सत असत नित और अनित के बीच का भेद जान जाता है, तब वह निराशक्त हो जाता है। उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता है। तब वह मनुष्य परम सुख की अनुभूति पाता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी खुद की आशाएं और इच्छाएं होती है।
मनुष्य की इच्छाएं काफी प्रबल होती है और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता है तो उसका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य अपने इच्छाओं का त्याग करे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। जो मनुष्य जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है ठीक उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह न तो इस जीवन में और न ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो, जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुखों के कारण को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख जैसी चीजें कभी भी नहीं आती है। सुख और दुख का अनुभव करना सिर्फ उसकी अज्ञानता है। किसी परिस्थिति में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है और किसी में दुख का, लेकिन यह ना समझी है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि आज सुख है तो ये सुख कल चला जाएगा, यदि आज दुख है तो ये दुख कल चला जाएगा। तो ऐसे सुख में क्या सुखी होना और ऐसे दुख में क्या दुखी होना जो कल रहेगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य सुख में बहुत खुश नहीं होता और दुख में उदास नहीं होता वही देवताओं को प्रिय होता है और बस वही मनुष्य जीवन का असली रहस्य जान पाता है। घुप्प अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वो शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो मजबूत बाजुओं ने उसे कसकर जकड़ लिया और नदी के किनारे ले आया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी, फिर हंसकर बोला, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सब ओर मान सम्मान और संपदा थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। वृद्ध फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन, जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभाव से ले, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज की आवश्यकता हुई उससे पहले वो मिल गई, तो क्या वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, ये कोई कैसे जाने। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो।
भविष्य की चिंता भी मत करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा और मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकालते हुए राजा का अंगूठा कट गया। राजा परेशान हो गए। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों जल्दी से जाओ और वैद्य जी को बुलाकर लाओ। देखो मेरा अंगूठा कट गया, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे से मंत्री आए और बोले कि इस चोट पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को मंत्री पर गुस्सा आ गया। वह मंत्री से बोले, मंत्री ये बात तुम कह रहे हो, मैं तो तुम्हें अपना हितेशी समझता था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को ले जाकर कारागार में बंद कर दो, पूरी रात कोड़े से पीटना और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। महाराजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने मंत्री को बंदी बना लिया और राजमहल के कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। राजा कुछ सैनिकों को लेकर शिकार के लिए फिर से जंगल में निकल गए और फिर कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिससे राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया। भटकते भटकते राजा भीलों के बस्ती में पहुंच गए, जिसे वहां के लोग उन्हें उठाकर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बिठा दिया। पुजारी उसकी बलि चढ़ाने वाला ही था कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, ये तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और उन्होंने इस तरह राजा को छोड़ दिया और राजा की जान बच गई। फिर चूंकि अब राजा को समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसे याद आया कि आज सुबह मंत्री को फांसी लगने वाली है। वह भागा भागा आया। उसने देखा कि मंत्री फंदे को गले में पहनकर खड़ा है। राजा ने उसे नीचे उतरवाया और उसके पैर पकड़ लिए और फुट फुट कर रोने लगे। राजा ने अपनी सारी घटना मंत्री को सुनाई और माफी मांगने लगा। मंत्री बोला, माफी वाफी मांगने की जरूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा बोला, मंत्री क्या तुम सच में पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से रात भर तुमने कोड़े खाए और फिर भी कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मंत्री बोले, महाराज यदि मैं यहाँ कोड़े नहीं खा रहा होता तो आपके साथ होता, और यदि मैं आपके साथ होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब राजा को समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ईश्वर जो भी कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, जब कोई चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो हम चिंतित और उदास हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए और सब कुछ ईश्वर की आज्ञा मानकर उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला होता है, वे सभी चीजें हमारी अच्छे के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि आपके हर कर्मों का फल आपको ही भोगना है, चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा। मित्रों, एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को ये बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। मछुआरे ने कहा कि मछली पकड़ने का काम मुझे मेरे पिताजी ने दिया है और मैं अपने पिता की आज्ञा का अवहेलना नहीं करूंगा। लेकिन जब शिष्य की बात मछुआरा नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दोनों को झगड़ते देख महात्मा ने शिष्य का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, फिर भी राजा इन लोगों को दंड नहीं देते हैं, आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा। शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है।
शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने ये दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे ये सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर ये दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरु जी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को ना मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वो मछलियां ही ये चींटियां है जो इसको नोच नोच कर खा रही है। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद है। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वो एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरु जी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। एक बार की बात है, एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे, तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे तभी वो यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया, कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा
कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है, लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंक कर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसे। यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू तन मन और कर्म से खुद को मुझे समर्पित कर दे, मैं तुम्हें वो हर कुछ दूंगा जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा भी करूंगा। तू जिस दिन से मुझसे निस्वार्थ प्रेम करने लगेगा, उस दिन से तू सिर्फ मेरा हो जाएगा और मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। मित्रों, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसका नाम सावित्री था। सावित्री का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वह बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। सावित्री ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो सावित्री ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए, अकेले रह रहकर उब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, माए ये लो आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माए बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि सावित्री मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को बुढ़िया से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने बुढ़िया से कहा, अरे माए सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। सावित्री ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िये से बचाने के लिए सावित्री भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। सावित्री 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलक झपकाए भेड़िये से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली बुढ़िया सावित्री का ये भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी के मन में बूढ़ी माँ को प्रत्यक्ष दर्शन देने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर सावित्री डर गई। उसने सोचा कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। सावित्री ने लाठी उठाई और भेड़िये को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब कान्हा ने कहा, अरे माँ, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्योछावर कर दूं, अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी बूढ़ी माँ के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी बूढ़ी माँ से बोले, अरे मेरी भोली माँ, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहो वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माए ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100-100 प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए,
कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल माँ, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िये का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। मित्रों, जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं, तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है, भगवान को प्रेम करो, वैसा निष्काम प्रेम जैसे बुढ़िया माई ने किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।